कुशाल टंडन को आया आसिम रियाज पर गुस्सा। सो गाइस, आसिम रियाज की कंट्रोवर्सी को देख के हर एक सेलिब्रिटी आसिम की बेइज्जती करते हुए नजर आ रही है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई कि उसने रोहित शेट्टी से जबान लड़ाई। यानी कि कुशाल टंडन भी गुस्सा हो चुके हैं आसिम रियाज भी। अब कौन सही है, आसिम सही है या रोहित शेट्टी, वो तो कमेंट में आप लोग बता दो, उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगी। लेकिन मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि कुशाल टंडन का रिएक्शन आया है आसिम रियाज की खतरों के खिलाड़ी की कंट्रोवर्सी पर। आपको पता ही होगा, नहीं पता तो मैं बता दूँ कि आसिम रियाज खतरों के खिलाड़ी कई कंटेस्टेंट के गए थे इस सीजन के KK14 के। लेकिन हुआ ऐसा कि किस स्टंट के दौरान आसिम की थोड़ी मुठभेड़ हो जाती है, थोड़ी बहुत लड़ाई वड़ाई हो जाती है अभिषेक कुमार से, जिस वजह से बहुत ज़्यादा वो आगे बढ़ जाती है फाइट। बीच में रोहित शेट्टी को भी आना पड़ता है और रोहित शेट्टी से भी कुछ उल्टा आसिम बोल देते हैं, या रोहित शेट्टी भी आसिम से उल्टा बोल देते हैं कि तो चुप नहीं हुआ तो मैं तुझे उठा के पटक दूंगा, जिस वजह से आसिम भी बहुत गुस्सा हो जाते हैं। तो इन सब में ना उन दोनों की फ़ाइट हो जाती है और जो आसिम है उनको निकाल देते हैं शो से रोहित शेट्टी। उसी पर कॉन्ट्रोवर्सी पर आया है कुशाल का रिएक्शन, जिस पर रिएक्शन देते हुए कुशाल टंडन ने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए दो ट्वीट किए, एक में बहुत दोनों ट्वीट में बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे हैं कुशाल टंडन आसिम रियाज पर, ये बोलते हुए नजर आ रही कि तेरी औकात क्या है, तू क्या औकात दिखा रहा है, क्या बिग बॉस समझ रखा है क्या खतरों के खिलाड़ी को। जैसे कि आपको पता ही है कि अगर आपने एपिसोड देखा होगा तो उस एपिसोड में आपने देखा होगा कि कुशाल टंडन उन्हीं सब चीज़ों पर रिएक्शन आया जिन चीज़ों को आसिम ने खुद जाहिर किया। आसिम बोलते हुए नजर आए कि मेरा बैंक बैलेंस बहुत ज़्यादा है, मैं पैसों के लिए नहीं आया। तो उसी चीज़ पर कुशाल ने रिप्लाई देते हुए बोला, तेरा बैंक बैलेंस इतना ज़्यादा है तो डिटेल मुझे भेज, मैं भी तो देखूँ तेरे बैंक पर कितने पैसे हैं। यानी कि आसिम की बातों पर कुशाल को बिलीव नहीं हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ आसिम ने ये भी बोला कि मैं हर महीने कार बदलता हूँ, मेरे सामने इन कंटेस्टेंट की औकात क्या है, रोहित शेट्टी के सामने इस चीज़ को बोला। जहाँ पे कुशाल ने आसिम की इस बात पे बोला कि भाई तू झूठ मत बोल मेरे सामने, जो तू कार हर महीने बदलता है वो सेकंड हैंड कार होती है, मतलब पहले से यूज कार होती है। यही रिएक्शन आया, कमेंट बताओ आप किसको सपोर्ट कर रहे हो इन दोनों में।